तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बच्चे का मेरे पास आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने पिक किया, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ए किसी बच्चे ने पूछा KEE रोलेक्स ने, हरियाणा रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे से पूछे हैं उनको मैं बता दूँ, और मैं बता दूँ कि 95% ऐसे बच्चे होंगे जिसके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे और बच्चे कन्फ्यूज होंगे। तो आज मैं इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर करूंगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। काफ़ी हेल्प पहुंचेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, मैं बता रहा हूं। और आप वीडियो में हेल्प अगर आपको पहुंचता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इनका क्वेश्चन था, आप लोग इनका मैसेज पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको बेसिकली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दोस्तों इन्होंने पूछा है कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ऐसे दोस्तों कोई बच्चे हैं, इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग किया, ठीक है। उन्होंने 5 कॉलेज का अपने लिस्ट बनाए, 5 कॉलेज उन्होंने काउंसलिंग में डाला। जैसे कि फर्स्ट में डाला YMCA, डिक्रेस्ट मंडल, कुरुक्षेत्रा, JJU और MDU, ठीक है। उनको चाहिए था दोस्तों टॉप 2 कॉलेज, ठीक है। लेकिन उनको फर्स्ट काउंसलिंग में मिला दोस्तों MDU, ठीक है। और उनको MDU चाहिए नहीं, और फिर उन्होंने सेकेंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोस्तों वो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में फी पेड नहीं किया। तो मैं बता दूँ ये जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में दोस्तों आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग का फी पेड करके अगर आप सेकेंड में पार्टिसिपेट करते हो तब आपका सीट एज ए रिजर्व सेफ रहेगा, ठीक है। एज ए रिजर्व बचा रहेगा। अगर दोस्तों अगर आपने फी पेड नहीं किया MDU का और आप डायरेक्ट सेकेंड काउंसलिंग कराते हो तो जो आपका MDU में जो सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर उसको एज ए कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कोई कॉलेज मिल रहा है और आप थोड़ा भी सेटिस्फाई हो तो आप बिल्कुल फी पेड कर देना और आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। अगर दोस्तों आप फी पेड कर देते हो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, सेकंड काउंसलिंग के बाद आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो HSTS पूरे पैसे आपके रिफंड आपके अकाउंट में कर देगा, ठीक है। तो आप लोग घबराना मत, आपके पैसे फंस जाएंगे ऐसे वैसे सोचना मत, आपके पूरे के पूरे पैसे HSTS आपके रिफंड कर देंगे आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। इस बात के लिए कोई बच्चे पैनिक मत लेना। अगर काउंसलिंग करना चाहते हो तो काउंसलिंग बिल्कुल कर देना, आपके पैसे कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में बताएं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो सारे बच्चे में।